हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं बटर पनीर मसाला। आप अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट जब भी जाते हैं, ज्यादातर पनीर की सब्जियां ही हम ऑर्डर करते हैं, तो आज हम इसी वजह से आज बना रहे हैं बटर पनीर मसाला, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली है। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वहाँ पर अलग अलग तरह की ग्रेवी बना के रखी जाती है और तुरंत उसको मिला करके और फटाफट से ये सब्जी को बना दिया जाता है, लेकिन घर में हम इतनी तामझाम करके बना के रख नहीं सकते, तो हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं आज इसको। तो इस सब्जी को इंस्टेंट बनाएंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आज हम सब्जी को बनाएंगे कि आपको इतनी पसंद आएगी कि आप उस दो रोटी की जगह चार रोटी खाएंगे और सब आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इस तरह से हम सब्जी को बनाने वाले हैं बिना तामझाम के और बहुत ही जल्दी से बनकर और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये हमने टमाटर दो प्याज, हरी मिर्च और ये काजू को हमने पानी में भिगो दिया था और ये पनीर ले लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अब साथ में कुछ लहसुन भी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, प्याज को पहले बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। चॉप करना है इसको, मिक्सी में नहीं इसको पीसना है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। बारीक बारीक काट लेना है। आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर की सहायता से इसको चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्याज को काट लिया है। अब हमें लहसुन ली थी साबुत, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। तैयारी हम पहले करके रख लेते हैं जिससे कि तुरंत ही सब्जी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो टमाटर थे वो लेते हैं। टमाटर को बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे। रख लिए, काट लेना इनको, क्योंकि हमको इसको मिक्सी में घुमाना है। इसको घुमाकर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसको हम रफली मोटा मोटा काट लिया और इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली हमने, इससे अच्छा कलर आएगा, और दो हरी मिर्च हमने डाल दिए। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करें तो ज्यादा मिर्च ले लीजिए। अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का। इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये उसको निकाल लेते हैं और जो काजू हमने भिगोए थे वो इसी जार में डाल लेंगे। टमाटर को अच्छे से धोकर निकाल दिया बाहर हमने। अब काजू का पेस्ट बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि काजू तो महंगे हम नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह खरबूजे के बीज ले लीजिए, इसको भिगोकर। अब फ्राई पैन को गैस पर रखेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर थोड़ा ज्यादा ही डालें क्योंकि हमको इसके अंदर पनीर को फ्राई करना है। तो पनीर को मेल्ट होने देते, इसको बटर को मेल्ट होने देते और इसके अंदर वो पनीर जो था हमने पीसेज कट करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छे से इसको टॉस कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 पिंच कश्मीर लाल मिर्च डाल दी हमने और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप चाहें तो कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए इसको अच्छा सा भून लेते हैं। ज्यादा जोर से नहीं चलाना स्पून की सहायता से, नहीं तो पनीर सॉफ्ट होता है, टूट जाता है। आप इसको हल्के हाथ से चलाइए और नहीं तो उछाल के इसको टॉस्ट कर लीजिए, इसे दोनों साइड से पलट जाए। तो इस तरह से हम इसको भून लेते हैं। ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ज्यादा भूनेंगे टाइट हो जाएगा ये। इस तरह से हम इसको उलटते पुलटते हल्का सा भून लेते हैं। इसका अच्छा कलर आ गया है पनीर का, इतना ही भूनना है हमको। अब इसको हम निकालेंगे, इसको गैस की फ्लेम को बंद करते हैं पहले और इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं।
अब फ्राई पैन को फिर से गैस पर रखेंगे और उसको गर्म होने देते हैं। इसके अंदर बटर डाल देंगे, बटर पनीर मसाला है तो बटर तो वैसे ही डलेगा। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जो आप खाते हो घर में वो तेल डाल दीजिए। ये हमने तेल डाल दिया है एक बड़ा चम्मच भर के, उसको अच्छे से गर्म होने देते। उसके बाद कुछ खड़े मसाले डालेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्र, और भी अगर आप कोई मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। मसालों को अच्छे से पकने देते हैं तेल के अंदर, जिससे कि इसके अंदर उसका फ्लेवर तेल के अंदर आ जाए मसालों का। दालचीनी अच्छे से फूलने लगी है, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो हमने लहसुन को बारीक बारीक काटा था वो उसके अंदर डाल देंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे, उसको अच्छे चला लेंगे। और उसके बाद लहसुन के भुनने के बाद हम जो प्याज को बारीक बारीक काटा था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो प्याज को डालने के बाद हमको लगातार चलाते रहना है। प्याज जलनी नहीं चाहिए, ओनली इसका कलर चेंज होना है, ब्राउन होने तक इसको हमको भूनना है। तो इसके बाद ब्राउन हो गई, उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया डाल देंगे और अच्छे से एक बार मिला लेंगे। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये तीखेपन के लिए नहीं, कलर के लिए अच्छी आती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च हमने डाल दी थी तीखेपन के लिए। उसके बाद थोड़ा सा एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी टमाटर सॉरी इसके भी प्याजनों के साथ अच्छे से भून लेते हैं, लहसुन को भी। अब इसके बाद हम जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे, उसको चलाते रहेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए, तब तक इसको हम चलाएंगे। तो देखिए तेल सेपरेट होने लगा है। उसके बाद हम नमक डालेंगे, पहले हमने नमक नहीं डाला था, अब नमक डाल दिया है जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाए, टमाटर वगैरह, और अच्छे से तेल सेपरेट होने लगे। अब उसके बाद जो टमाटर हमने धोकर जार को निकाला था, टमाटर का वो पानी था, वो भी इसमें डाल देते और कंटिन्यू इसको चलाएंगे। अब उसके बाद ये देखिए फिर से तेल सेपरेट होने लगा है। अब थोड़ी सी हम कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, चाहे सब्जी मसाला डालो तो वो डाल लीजिए, अच्छे से मिलाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब भी आप इसको एंड तक देखेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से आज बनाएंगे, आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद हमें जो काजू का पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। मैंने काजू का पेस्ट डाला है, आपकी इच्छा हो तो आप खरबूजे के भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। काजू से जो टेस्ट आता है वो खरबूजे से नहीं आएगा, लेकिन आप चाहे कम खर्च में बनाना चाहें तो खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर पकने देते हैं, और जार में जो हमने पानी डाल के वो भी इसमें हला के डाल देते हैं, जो कि पेस्ट इसके अंदर जो चिपका हुआ काजू का वो भी इसके अंदर अच्छे हला के डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिला लेते हैं, जिसे काजू का जो टेस्ट है अच्छे से मसालों के अंदर मिक्स हो जाए, ग्रेवी बहुत अच्छी रिच बन जाए। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर ऐसे ढककर पकने देते हैं। बीच बीच में हम खोल के इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपक सकती है, काजू डालने के बाद ग्रेवी चिपक सकती है। तो आप देखिए जैसे जैसे पक रही है इसका तेल ऊपर आने लगा है, सॉरी बटर, ये बटर ऊपर आने लगा है इसका। इस तरह से हमने दो तीन बार इसको खोल के चला दिया था बीच बीच में, अच्छी गाढ़ी हो चुकी है ग्रेवी और तेल भी ऊपर आने लगा है।
अब उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर क्रीम डाल लीजिए, मार्केट मिल जाती है, और आप क्रीम नहीं डालना चाहें तो आप घर की मलाई को थोड़ा सा फेंट के वो डाल सकते हैं। मलाई मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मलाई सभी के घर में अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि आज हम बटर पनीर मसाला का सब्जी जो घर में बना रहे हैं तो हम ज्यादातर घर की चीजों को इसमें यूज कर रहे हैं, तो मलाई सभी के घर में मिली जाती है, तो मैंने मलाई को इसके अंदर डाल दिया है जिससे इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाए। अब उसके बाद जो पनीर थे जो हमने इसको फ्राई किया था वो इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से स्पून की सहायता से पोंछ के डालेंगे क्योंकि इसके अंदर जो बटर था वो प्लेट में ना रहे, सारा अच्छे से स्पून की सहायता से इसमें सभी बटर भी डाल देंगे। अच्छे से इसको मिला लेते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे सब्जी तैयार हो रही है इसका कलर बहुत अच्छा आता जा रहा है। अब देखिए तेल ऊपर आने लगा है, अब इसके ऊपर धनिया थोड़े गार्निशिंग कर देंगे और इसको कम गैस करके बिल्कुल उसको 2 मिनट और पकने देते हैं जिससे कि अच्छे से तेल सेपरेट इसका होकर ऊपर आ जाए। बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब कितना अच्छा कलर आया है। आप इस तरह से बनाइए। अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। आप अगर इसको और अच्छी और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर ऊपर से बटर डाल लीजिएगा। तो पहले हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही शानदार सब्जी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी आप इसको रोटी पराठा पूड़ी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। मैं आपको अभी पास से दिखाती हूँ, अभी दूर से आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रही होगी, इसका कलर अभी पास से दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी शानदार सब्जी बनी है। कोई नहीं कह पाएगा कि आपने घर पर बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी हमने घर पर बनाकर तैयार की है। इतनी सब्जी आप बाजार में लेने जाएं तो बहुत महंगी आती है, और इसको कम दाम में हमने बनाकर घर पर ही तैयार कर ली है। इस तरह से आप इस पर थोड़ा सा बटर डाल दीजिए जिससे और भी अच्छी बनेगी, टेस्टी हो जाएगी। बटर पनीर मसाला है, थोड़ा बटर डाल दीजिए और इस तरह से आप इसको बनाकर और इसका आनंद उठाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।